के साथ। रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजकुमारी विष्णुप्रिया ने कहा कि आज महिला उत्थान तथा उनके जीवन कल्याण के लिए तमाम योजनाएं, सुख सुविधा तथा उनके अधिकार व दायित्व की पूर्ति की बातें की जा रही हैं। साथ ही भारत सरकार व देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के लगातार प्रयासों से महिला कल्याण की योजनाओं की पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस समाज में महिला उत्पीड़न क्या वास्तव में कम हुआ है? क्या महिलाओं का अधिकार उन्हें प्राप्त हो रहा है? उन्होंने कहा कि काशीराज परिवार की, जो कि सनातन काल से चले आ रहे तेजस्वी राजाओं के लिए जाना जा पा रहा है, लेकिन आज समय की मार इस कदर आ गई है कि महिला उत्पीड़न तथा महिलाओं के अधिकार को हनन करने वालों की सोच इस राज परिवार में भी समा गई है। काशीराज परिवार के वंशज स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह के 3 पुत्रियों कुमारी विष्णुप्रिया, कुमारी हरप्रिया व कुमारी कृष्णप्रिया और महाराज के एकमात्र पुत्र डॉक्टर अनंत नारायण सिंह की, जो कि महाराजा विभूति नारायण सिंह के द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के बराबर अंश व हक के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन महाराज विभूति नारायण सिंह के बेटे डॉक्टर अनंत नारायण सिंह आज धन व संपदा के लालच में अपनी गरिमा को धूमिल करते हुए स्वयं के घर में, जो उनकी खुद की बड़ी बहनें हैं, के साथ भी उन महिला उत्पीड़न तथा महिलाओं के अधिकार के हनन करने वाले व्यक्तियों की भांति इस कदर कार्य करते जा रहे हैं कि उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए सभी परंपराओं को दागदार करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे सारे जेवरात, मेरा ही नहीं, मेरी तीनों बहनों के जेवरात और मेरे लड़के इसका जने का जेवरात, मेरी बहन बेटी का भी इसमें थे, सब इन्होंने दे दिया। जी, आपके भाई कौन है, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरे भाई महाराज बनारस है, काशी नरेश है, महाराज अनंत नारायण है। क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई से यही कहना चाहूँगी कि मैं उनकी कोई जमीन में, दाऊ जी ने जो उनको जमीन दिया उसमें मांग नहीं रही, मैं सिर्फ इतना ही करी कि जो हमको दाऊ जी ने दिया है वो दीजिए। और दूसरी बात, जैसे पहले हम लोग रहते थे, जैसे चकिया का सफर है, वहाँ हम लोग कथा सुनने जाते थे तो घर में बैठते थे, आज मैं कथा सुनने जाती हूँ तो सड़क पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता, बंदूक लेकर के उनका आदमी खड़ा रहता है, अगर आए यहाँ आए भी तो बंदूक से गोली मार दी, ये ऑर्डर है इसको, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनसे सिर्फ एक ही बात करना है, उसको दो न्याय जो करता है, न्यायाधीश का काम है दोनों पक्ष की बात सुनना और कागज़ देखना, कागज़ देख कर मारने वाली बात किसने कही थी आपसे? हम वहाँ पर गए थे। तो कौन कहा ये बात? उनका नौकर बंदूक लेके खड़ा था, दरवाजा ताला बंद करके, आज 5 साल हो गया, उसमें हम जा नहीं सकते हैं। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की थी? क्या किस प्रशासन से करें, जो प्रशासन अब हमको कुछ पूछता नहीं है, हमको पहचानता नहीं, हम क्या करेंगे? सच के साथ।